हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो टीजीटी मैथ्स के अंतर्गत ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन आप देख रहे हैं, जिसका लेक्चर दूसरा मैं लेकर आपके सामने आया हूं। और आपको पता होगा टॉपिक मैंने लिया था त्रिकोणमितीय सरोसमीका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से बनने वाले प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अभी इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज के अंतर्गत प्रश्न हम देख रहे हैं, जिसमें केस फर्स्ट हमारा चला है। और उस केस फर्स्ट के अंतर्गत आप देखें, मैंने यहां से एक प्रश्न सेलेक्ट किया हुआ है कि यदि x बराबर r cos थीटा cos phi, y बराबर r cos थीटा sin phi तथा z बराबर है r sin थीटा। हमसे पूछा गया है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। चलिए, अच्छा ध्यान देना, एक आसान प्रश्न है। उस श्रेणी में जहां पर मैंने पिछला वीडियो समाप्त किया था, उसी के जस्ट आगे मैं प्रोसीड कर रहा हूं। आप लोगों ने यदि लेक्चर पहला नहीं देखा होगा तो उसे अवश्य देख लीजिएगा। चलिए, जैसे यहां पर x, y और z तीनों के वैल्यू दिए गए हैं और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हमसे पूछा जा रहा है, तो चलिए यहां से जब x का स्क्वायर करेंगे तो x का वैल्यू है r cos थीटा cos phi, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर phi, यही होगा x स्क्वायर। और प्लस जब y स्क्वायर करेंगे तो y का वैल्यू है r cos थीटा sin phi, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और साइन फाई हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। और प्लस है जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, सबसे पहले आप देखें इन दोनों पदों में आपको आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा कॉमन दिख रहा है। ध्यान देना, आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इन दोनों पदों में क्या है, कॉमन है। तो चलिए, मैंने यहां से आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा कॉमन किया, तो जब कॉमन किया तो विद इन ब्रैकेट बचा क्या, आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा कॉमन है तो ये बचा कास स्क्वायर फाई, और प्लस ये जब कॉमन हो गया तो बचा है साइन स्क्वायर फाई, ब्रैकेट क्लोज। और अभी एक पद है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसे मैंने साइड में लिख दिया। अच्छा, आप देखें कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई वैल्यू हो जाएगा एक, क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक। तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कास स्क्वायर फाई वैल्यू कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो जब ये वैल्यू एक होगा तो एक का गुणा आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे तो कास आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा ही रहेगा। ये तो वैल्यू एक हो गया, आप समझ रहे, एक का गुणा इधर करेंगे तो यही मिलेगा। और प्लस कितना है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप देखें इन दोनों पदों में आर स्क्वायर कॉमन है, और जब आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये होगा कास स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप समझ गए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी, एक। तो यहाँ आर स्क्वायर का गुणा एक में गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो आपने देखा यहाँ से एक बेहद आसान प्रश्न, आइडेंटिटीज में केस फर्स्ट चला है, इसके बेसिक प्रश्नों को मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ। चलिए, इस श्रेणी में एक प्रश्न पर हम और प्रोसीड करते हैं। चलिए, यहां से समझिएगा, जैसे मैंने एक प्रश्न लिया है, हमने प्रश्न लिया है यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर एक है तो कास स्क्वायर थीटा प्लस कास पे पावर फोर थीटा इसका वैल्यू क्या होगा। ये बेहद सामान्य एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इससे जो बनने वाले प्रश्न है जब ये पैटर्न दिया होता है तो एक व्यंजक का मान जो अपेक्षाकृत काफी बड़ा होगा, उस प्रश्न पर अभी पहुंचेंगे, पहले इसकी बेसिक इस प्रश्न को समझ लें। अच्छा देखिए, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया है, एक। तो आप समझ गए हैं साइन थीटा बराबर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। कैसे, ये साइन थीटा है
प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जब उधर आप पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा। ये समझ है ना कैसे, क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अब ध्यान देना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, पहले साइन स्क्वायर थीटा जब उधर पक्षांतर करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कि नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसके स्थान पे हमने प्लेस कर दिया कितना, कास स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया, कास स्क्वायर थीटा। अतः हमसे किसका मान पूछा गया, हमसे पूछा गया कास स्क्वायर थीटा, और प्लस कितना है, कास पे पावर 4 थीटा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कास स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। बात समझ है कि नहीं, ये कास पे 4 थीटा है, तो कास पे 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ कास स्क्वायर थीटा इस पूरे का स्क्वायर। तो चलिए, अच्छा यहाँ से ध्यान देना, ये कास स्क्वायर थीटा है, इसे जैसे का वैसे ही रख दीजिए। अब प्लस कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम कितना रख सकते हैं, चूँकि साइन थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा है, तो कास स्क्वायर थीटा के स्थान पर तो साइन थीटा लिख ही सकते हैं। बताइए, कास स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो जब साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ध्यान देना, ये कास स्क्वायर थीटा है प्लस कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू साइन थीटा हो गया, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आप समझ गए हैं, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना हो गया, 1। तो ये एक बेसिक प्रश्न है, जैसे कास स्क्वायर थीटा था प्लस कास पे 4 थीटा था, मैंने लिखा कास स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो ध्यान देना, कास स्क्वायर थीटा है, और कास स्क्वायर थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं साइन थीटा से। तो जब साइन थीटा करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना, 1। तो इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैं और ले रहा हूँ, ध्यान देना। देखिए, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर 1 दिया गया है। अब देखिए, हमसे जो वैल्यू पूछा जा रहा है, ध्यान से समझेंगे, हमसे प्रश्न फिर पूछा गया, ध्यान देना, कास पर 12 थीटा प्लस 3 कॉस पर 10 थीटा प्लस 3 कॉस पर 8 थीटा प्लस कॉस पर 6 थीटा और प्लस 1, इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए आ जाए इसे समझें। चलिए अभी आप समझिएगा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 दिया गया है, और हमसे पूछा गया कास पर 12 थीटा प्लस 3 कास पर 10 थीटा प्लस 3 कास पर 8 थीटा प्लस कास पर 6 थीटा प्लस 1, इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए, अच्छा ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा आप दाहिने साइड पक्षांतर करेंगे जैसे अभी आपने देखा था, तो ये व्यंजक का मान दिया गया, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने पक्षांतर किया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं कितना होता है, कास स्क्वायर थीटा। तो बताइए, साइन थीटा बराबर कितना हो गया, कास स्क्वायर थीटा, या कास स्क्वायर थीटा के स्थान पर मैं कितना प्लेस कर सकता हूँ, साइन थीटा। चलिए, अब हमसे व्यंजक का मान पूछा गया है, किस व्यंजक का, पहले कास पर 12 थीटा है। अच्छा, जब कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा होगा, तो कास पर 12 थीटा को मैं साइन पर 6 थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं, बेशक लिख सकते हैं, क्योंकि कास पर 12 थीटा को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान देना, इस पर घात 6 कर सकते हैं, जैसे कास पर 12 थीटा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कास स्क्वायर थीटा पर घात 6, तो 6 × 12 हो जाएगा कि नहीं, कास पर 12 थीटा हो जाएगा। तो बताइए, कास स्क्वायर थीटा के स्थान पे मैं कितना रिप्लेस कर लूँ, कास स्क्वायर थीटा को यदि साइन थीटा रिप्लेस करेंगे तो साइन थीटा पे घात 6 कितना हो जाएगा, साइन पर 6 थीटा, और प्लस है, मैंने प्लस किया 3 कॉस पर 10 थीटा है। तो ध्यान देना, कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा है, तो कास पर जो 10 थीटा है ये कितना हो जाएगा, साइन पर 5 थीटा हो जाएगा। अच्छा, अभी ध्यान देना, प्लस है,
थ्री कॉस पर एट थीटा, तो कास पर एट थीटा है, चूंकि कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा है, कास पर एट थीटा को मैं साइन पर कितना लिख सकता हूं, फोर थीटा, और प्लस कास पर सिक्स थीटा है, चूंकि कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा है, तो कास पर सिक्स थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन क्यूब थीटा, और प्लस कितना, अब एक्चुअल में इसको मैं फार्मूले में जनरेट करना चाहूं तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, थोड़ा समझिएगा। यहां पर साइन सिक्स थीटा है, पहले आप साइन सिक्स थीटा कर लीजिए, अब प्लस साइन क्यूब थीटा कर लीजिए पहले। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना, साइन क्यूब थीटा ये मैंने कर लिया पहले। अच्छा, इन दोनों में देखा जाए वैसे कॉमन क्या है, तो अच्छा अभी ध्यान देना, इन दोनों में देखा जाए तो थ्री साइन पर वैसे देखा जाए फोर थीटा कॉमन है, तो यदि मैं यहां से थ्री साइन फोर थीटा तो मैं कॉमन कर सकता हूं, लेकिन तब फार्मूले में जनरेट नहीं हो पाएगा। आप ऐसा करिए ना, थ्री साइन क्यूब थीटा कॉमन करिए, ताकि यहां से बच जाए साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से साइन थ्री साइन क्यूब थीटा मैंने कॉमन किया है, तो यहां से बचेगा साइन थीटा, और प्लस कितना, वन, चूंकि साइन क्यूब थीटा को मैंने पहले कर लिया। मैंने ऐसा क्यों किया, थोड़ा ध्यान देना, अब ये पूरा यहां से लेकर यहां तक एक सूत्र बन रहा है, थोड़ा ध्यान देना, किसका सूत्र बन रहा है, साइन क्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब बन रहा है। देखिए कैसे, थोड़ा समझिएगा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का क्या बन रहा है, इसका होल क्यूब बन रहा है। कैसे, इसको a मान ले और इसको b मान ले, तो a प्लस बी का होल क्यूब सूत्र क्या होता है, पहले a क्यूब करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब करेंगे तो साइन सिक्स थीटा हो जाएगा, प्लस b क्यूब करेंगे तो b का मान साइन थीटा है तो b क्यूब करेंगे तो साइन क्यूब थीटा, और प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और ध्यान देना जब 3ab करेंगे तो 3 इंटू a का मान कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, और b का मान कितना है, साइन थीटा। तो जब ध्यान देना, पहले a क्यूब करेंगे तो साइन पर सिक्स थीटा आएगा, b क्यूब करेंगे तो साइन क्यूब थीटा आएगा, प्लस 3ab करेंगे तो 3ab करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का गुणा साइन थीटा में करेंगे तो 3 साइन क्यूब थीटा हो गया, मतलब ये कितना हो गया, 3ab हो गया। ध्यान देना, ये a क्यूब हो गया और ये हो गया b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और ये विद इन ब्रैकेट हो गया a प्लस b, a का मान साइन स्क्वायर थीटा है प्लस b का मान साइन थीटा। तो बताइए a क्यूब प्लस b क्यूब हुआ कि नहीं, a क्यूब करेंगे साइन सिक्स थीटा, b क्यूब करेंगे साइन क्यूब थीटा, चूंकि b का मान ये है, प्लस 3ab करेंगे तो 3 साइन क्यूब थीटा आएगा विद इन ब्रैकेट a प्लस b, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब हुआ, और आगे प्लस वन है तो प्लस वन यहां से कर दीजिए। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का मान हमारे प्रश्न में ही दे रखा है, ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का मान कितना दे रखा है, एक दे रखा है, तो एक का क्यूब करेंगे तो एक ही आएगा, और एक और प्लस एक कितना हो गया, दो, यहां से रिजल्ट हमारा प्राप्त हुआ दो। तो यहां से आपने देखा, मैंने थ्री साइन पर फोर थीटा इसलिए कॉमन नहीं किया, वैसे देखेंगे तो थ्री साइन फोर थीटा कॉमन है, लेकिन मैंने थ्री साइन क्यूब थीटा इसलिए कॉमन किया ताकि ये फार्मूले में पूरा जनरेट हो जाए। तो ये एक व्यंजक, बड़े ध्यान से इसे समझ लीजिएगा, प्रश्न इस तरीके के जो त्रिकोणमिति सरसमिका के अंतर्गत आते हैं से अपेक्षित है। तो चलिए अभी ध्यान देना, एक सवाल में इस क्रम में और ले रहा हूं, चलिए इसे इरेज कर रहे हैं, कोई संदेह बने तो वीडियो एक बार फिर से प्ले कर लेंगे, वैसे आसान प्रश्न है, अभी सभी बेसिक सर्वसमिका के अंतर्गत मैं प्रश्न को यहां पे रख रहा हूं। चलिए एक सवाल मैं और ले रहा हूं, ध्यान देना, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा माइनस दो बराबर है जीरो, तो हमसे प्रश्न ये पूछा गया कि कॉस क्यूब थीटा प्लस
सेक क्यूब थीटा का मान क्या होगा? चलिए ध्यान देना, यहां से समझिएगा, प्रश्न में दे रखा है यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा माइनस दो ये बराबर है जीरो के, तो हमें बताना किसका वैल्यू है, कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा का मान क्या होगा। अच्छा, यहां से आप देख रहे हैं द्विघात समीकरण बन सकता है, बस ऐसा करिए ना, इस पक्ष को सजाती कर लीजिए, जैसे ये कॉस में है तो इसको भी कॉस में बदलना चाहें, तो आप ये तो सर्वसंख्या जानते ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक। तो जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है तो निश्चित तौर पर साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पक्षांतर करके, ये सर्वसंख्या आप सबको पता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा है इसके स्थान पर मैं लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस कितना है थ्री कॉस थीटा माइनस टू, ये बराबर कितना है जीरो। अच्छा, यहां से ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्यों किया, ताकि ये सब सजाती रहे, जैसे ये कॉस में है तो ये भी कॉस में ही रहे। अच्छा, आप ऐसा करिए ना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को यदि दूसरे तरफ लिए जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को दाहिने साइड पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक चीज और बताइए, यदि एक में से मैं दो को घटा दूं, ध्यान समझिए, यदि एक माइनस दो करें तो माइनस एक होगा, और माइनस एक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। ध्यान देना, मैं ऐसा कर रहा हूं, यहां थ्री कॉस थीटा रोके रखिए, यहां पे मैंने थ्री कॉस थीटा रोके रखा, अब बाकी सबको उधर ही भेज दीजिए दाहिने साइड, जैसे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम दाहिने साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और एक में से दो घटाएंगे तो माइनस एक आएगा, अब माइनस एक जब दाहिने साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस एक। अच्छा, यहां से ध्यान देना, मैं ऐसा कर रहा हूं ना, दोनों पक्ष में आप ऐसा करिए कॉस थीटा से भाग कर दीजिए, ध्यान देना, हमें परिणाम किसका चाहिए थोड़ा समझिएगा, कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा, इसका परिणाम चाहिए, तो आप ऐसा करिए दोनों पक्ष में कॉस थीटा से आप भाग कर दीजिए। अच्छा, जब कॉस थीटा से भाग देंगे दोनों साइड तो यहां से क्या हो जाएगा, जैसे थ्री कॉस थीटा बटे कॉस थीटा तो कितना हो जाएगा, थ्री। अच्छा, यहां कॉस स्क्वायर थीटा में यदि मैं कॉस थीटा से भाग करूं, क्योंकि दोनों साइड भाग करेंगे ना, तो यहां इसमें जब कॉस थीटा से भाग करेंगे तीन बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा में यदि कॉस थीटा से भाग दिया जाए तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और एक में भी कॉस थीटा से भाग करेंगे तो ये हो गया, और वन बाई कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, वन बाई कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, तो कुल मिला के ये थ्री बराबर कितना हो गया, कॉस थीटा, और प्लस वन बाई कॉस थीटा को लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का मान तीन आ गया, कॉस थीटा और प्लस सेक थीटा का वैल्यू कितना है, तीन, और हमसे पूछा किसका गया है, कॉस थीटा प्लस क्यूब थीटा का मान। अब ये कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा का मान कब आएगा, जब बोथ साइड से हम क्यूब करेंगे, तो घन करने पर ध्यान देना, यदि दोनों पक्ष से मैं घन कर लूं तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना, तीन का क्यूब हो जाएगा सत्ताईस, इसको a माने इसको b माने तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा, b क्यूब करेंगे तो सेक क्यूब थीटा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस थ्री ए बी, तो थ्री इंटू ए का मान कितना है, कॉस थीटा, तो थ्री ए हो गया, b करेंगे तो सेक थीटा है, और सेक थीटा को वन बाई कॉस थीटा तो लिख ही सकते हैं, तो ध्यान देना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी को लिख सकते हैं वन बाई कॉस थीटा, और विद इन ब्रैकेट हो जाएगा ए प्लस बी, तो ए का मान है कॉस थीटा, और बी का मान कितना है, सेक थीटा। आप समझ गए ना, ध्यान देना, दोनों साइड से क्यूब करेंगे तो तीन का क्यूब सत्ताईस, ए क्यूब करेंगे कॉस थीटा प्लस बी क्यूब सेक थीटा प्लस थ्री ए का मान कॉस थीटा है इंटू बी का मान सेक थीटा है, जिसे मैं वन बाई कॉस थीटा लिख सकता हूँ, इंटू विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी,
तो ए का मान कास थीटा है प्लस बी का मान सेक थीटा। बस परिणाम हमारा आ गया, हमें कास क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा का मान चाहिए। कास थीटा से कास थीटा यहाँ से कैंसिल हो गया और कास थीटा प्लस सेक थीटा है, यहाँ से कितना है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, और कास थीटा प्लस सेक थीटा का मान हमें पता है, कास थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू कितना है 3। तो मैं इसके स्थान पे लिख सकता हूँ 3, ध्यान देना कास थीटा प्लस सेक थीटा बराबर कितना है 3। तो जहाँ पे कास थीटा प्लस सेक थीटा है वहाँ पे 3 रख सकते हैं, तो 3 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर 27 है। जब ये ध्यान देना 3 × 9, चूँकि ये पूरा परिणाम कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 का गुणा 3 में कितना होगा, ये बटे नहीं समझिएगा, कास थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू 3 है तो 3 का गुणा 3 में 9 आएगा, और 9 यहाँ पक्षांतर कर लीजिए, बराबर हो गया कास क्यूब थीटा और प्लस सेक क्यूब थीटा। तो आप समझ गए कास क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा का मान 18 हो गया, 27 में 9 माइनस करेंगे 18, और यही हमसे पूछा गया कास क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो 27 माइनस 9 बराबर 18। तो समझ पाए हैं कि नहीं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा किया प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 2 बराबर 0। मैं ऐसा कर रहा हूँ 3 कास थीटा को यहीं रोके रख रहा हूँ, बाकी माइनस कास स्क्वायर थीटा दाहिने तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक में से दो घटाएंगे माइनस एक दाहिने तरफ जाएगा प्लस 1। मैं दोनों पक्ष में कास थीटा से भाग कर दे रहा हूँ ताकि ये हो जाए 3 बराबर कास स्क्वायर थीटा, हम कास से भाग करेंगे तो कास थीटा, ये हो जाएगा 1 बाई कास थीटा, चूँकि कास थीटा से भाग करें तो कास थीटा 1 बाई कास थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं, तो कास थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 3 है, बस दोनों साइड से घन कर दिया ताकि ये मिल जाए। अब बाकी की प्रोसेस आप समझ रहे हैं, है ना। तो चलिए अब यहां से एक प्रश्न मैं और ले रहा हूं, अभी देखा जाए मैं इसके बेसिक प्रॉपर्टीज वाले प्रश्न को लेकर आपके सामने हूं। अभी केस फर्स्ट के प्रश्न मैं रख रहा हूं, केस सेकंड के प्रश्नों की चर्चा मैं नेक्स्ट में करूंगा, और मैं त्रिकोणमिति जो सरसमिका है इसमें बेसिक से आपके परीक्षाओं के लेवल तक के जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैं सबको क्रम से रखूंगा। चलिए एक प्रश्न मैं और देख रहा हूं, जैसे हमने दिया है यदि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पर 4 थीटा बराबर 1 है, तो हमसे पूछा कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन पर 4 थीटा इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए ध्यान देना, देखिए कास स्क्वायर थीटा प्लस कास पर 4 थीटा बराबर 1, यह अच्छा आपको याद होगा जब पिछला लेक्चर मैंने किया था तो केस फर्स्ट में मैंने बताया था ये कंडीशन बेस का क्वेश्चन है, मतलब कंडीशन में क्या होता है कि एक निर्देश पर जानकारी दिया होता है, कंडीशन मीन्स शर्त होता है, तो एक शर्त पर जानकारी दिया होता है और उसी से रिलेटेड पर हमसे जानकारी मांगा जाता है। तो चलिए यहां से देखते हैं जो प्रश्न यहां पे हमने रखा है, ध्यान देना। अच्छा आप समझिएगा, यदि कास स्क्वायर थीटा को मैं दाहिने साइड पक्षांतर कर लूं तो यहां से समझिए कास पर कितना है 4 थीटा बराबर, अच्छा कास स्क्वायर थीटा को जब दाहिने तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये आप समझ रहे हैं कैसे, चूंकि प्रॉपर्टी आपको पता है सरसमिका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 है, तो यहाँ से 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहीं रखिए बाकी उधर पक्षांतर कर दीजिए कास स्क्वायर थीटा को, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान देना कास पर 4 थीटा बराबर कितना है, कास पर 4 थीटा बराबर कितना है साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक चीज ध्यान देना, हमसे जिस व्यंजक का मान पूछा गया है वो टेन के फॉर्मेट में है, तो इसको मैं टेन में बदलना चाहूँ तो कैसे। अच्छा एक चीज बताइए, कास पर 4 थीटा है तो ऐसा है मैं इसको लिख सकता हूँ कास स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ कि नहीं, जैसे ध्यान देना कास स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकता हूँ, और ये बराबर कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वाला कास स्क्वायर थीटा उधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, तो ध्यान देना कास स्क्वायर थीटा मैं रख रहा हूँ
और ये जो कास स्क्वायर थीटा इसे दाहिने साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि कास स्क्वायर थीटा को कास स्क्वायर थीटा गुड़ा कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो कास स्क्वायर थीटा यहां रखिए और एक जो कास स्क्वायर थीटा बचा है उधर भेज दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा ये बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा अभी ध्यान देना, कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना गया, टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा हमें यहाँ भी टेन स्क्वायर थीटा है, वहाँ टेन पर फोर थीटा है, कैसे रिजल्ट आएगा थोड़ा समझिएगा। अच्छा कास स्क्वायर थीटा को मैं वन बाई सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं, चूंकि वन बाई सेक थीटा, कास का व्युत्क्रम सेक होता है और सेक का व्युत्क्रम कास, तो कास थीटा को वन बाई सेक थीटा लिख सकते हैं, तो कास स्क्वायर थीटा को हम वन बाई सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये बराबर कितना, टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा को हम दाहिने साइड भेज दें तो ये कितना हो जाएगा, वन बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू, ये जब सेक स्क्वायर थीटा जाएगा दूसरी तरफ तो क्या हो जाएगा, गुड़ा, और सेक स्क्वायर थीटा को मैं वन बाई टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको एक सरसंख्या पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ध्यान देना वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो बात समझिएगा, कास स्क्वायर थीटा को हमने लिखा वन बाई सेक स्क्वायर थीटा और बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा, ये तो आपको पता ही है टेन स्क्वायर थीटा। वन को मैंने यहीं रोके रखा, सेक स्क्वायर थीटा उधर गुणा हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा तो है ही, इंटू सेक स्क्वायर थीटा उधर गुणा होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा को वन बाई टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें टेन के ही पैटर्न में व्यंजक का मान चाहिए। बस रिजल्ट आ गया है, आप देखें वन बराबर टेन स्क्वायर थीटा का गुणा जब एक में गुणा करेंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का प्लस टेन स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे तो ध्यान देना यहां से प्लस टेन पे हो जाएगा फोर थीटा। तो यहां से रिजल्ट प्राप्त हुआ, हमसे पूछा गया है टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन पर फोर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो यहां से रिजल्ट मिला ए। तो पैटर्न आप समझ है ना, ये कास थीटा को वन बाई सेक थीटा लिख सकते हैं, तो कास स्क्वायर थीटा को वन बाई सेक स्क्वायर थीटा और बराबर टेन स्क्वायर थीटा है, यही सेक स्क्वायर थीटा दूसरे तरफ गुणा हो जाएगा, तो वन को यहीं रखिए बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंतर्गत मैंने कुछ प्रश्नों को लिखा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अभी आइडेंटिटीज से ही सरसंख्या के ही अभी जो बेसिक प्रॉपर्टी चल रहा है इसमें प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। अभी बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।